हाँ जी, पहला प्रश्न दिता गया अपने सामने, भारतीय संविधान का केड़ा अनुच्छेद भारत बारे दसता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। सो पहला तुसी हरेक प्रश्न का आंसर अपने माइंड में सोचना है, एंड लास्ट तुसी मैंने कमेंट बॉक्स दस सकते हो थोड़े किन्ने मार्क्स बने हैं। तो इस अपने को उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, अनुच्छेद नंबर एक। हाँ जी, जी भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर एक है, इस विच आपां की जानकारी मिलती है कि भारत जिहड़ा है वह राज्यों का संघ होगा, ये आपां नूं जानकारी मिलती है। नैक्सट आपां देखते हैं, हाँ जी कुछ होर महत्वपूर्ण पॉइंट, हाँ जी नवें राज्यों का गठन, तो इस बारे जानकारी आपां कि अनुच्छेद मिलती है, तो थोड़ा सही उत्तर होगा अनुच्छेद नंबर दो। नैक्सट जेकर आप गल करिए राज्यों की सीमा के परिवर्तन ज नाम बदलना, तो इस संबंधी अपन जानकारी कि अनुच्छेद मिलती है, ये मिलती है अनुच्छेद नंबर 3 के। सो इन्हों भी तुम्हें ध्यान के जरूर रखना है। हुण जेकर आप गल करिए जो अपना मूल संविधान बनया सी, तो उस समय कुल अनुच्छेदों की गिनती कितनी सी, तो थोड़ा सही उत्तर होगा 395। सो इस संख्या को तुम्हें ध्यान के रखना है, बट जेकर वर्तमान समय में पूछा जाए तो थोड़ा सही उत्तर होगा 465 प्लस अनुच्छेद हैं, क्योंकि होर भी थोड़ा पता है कि बहुत सारे चेंज किए गए हैं, तो कुछ होर भी अनुच्छेद इस दे विच ही ऐड होए हैं। सो वर्तमान पूछा जाए 465 प्लस, जेकर मूल संविधान में पूछा जाए तो 395। भाग तो हरेक विद्यार्थी को पता होगा भाग वर्तमान समय के 25 हैं, एंड जिहड़ियां अनुसूचियां हैं वह हैं 12 यानी कि 12। नैक्सट आप देखते हैं सैकंड नंबर प्रश्न, हाँ जी हेठ लिखा के विचों केड़ा कथन मूल अधिकारां संबंधी सही नहीं है। जेकर आप अजकल के एग्जाम की गल करिए, जिन्हें भी अपने को अजकल एग्जाम हो रहे हैं तो उन्होंने इदा के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये खुद देखा होना है अपने को इदा ही प्रश्न आता है कि इन्हों कि जिमें इतने अपने को प्रश्न है इन्हों कि मूल अधिकारों संबंधित नहीं है, तो इस तरह ही अपने को एग्जाम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सो फर्स्ट अपने को ऑप्शन दी गई है आज़ादी का अधिकार 19-22, बिल्कुल सही रहेगा। संविधानिक उपचारों का अधिकार 32, बहुत ही महत्वपूर्ण अपने को अनुच्छेद है, इसमें तुम्हें ध्यान के रखना है, ये अपने को आर्टिकल बाद लिखे हुए हैं। नैक्सट समानता अधिकार 25-28। नैक्सट अपने को डी नंबर सिक्ख्या साहित्य का अधिकार यह है 29-30, तो यह भी अपने को बिल्कुल सही रहेगा। तो सी अपने को बिल्कुल रोंग है, समानता का अधिकार 25-28 नहीं है, ये बिल्कुल अपने को रोंग है। 25-28 हैं अपने को धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार यानी कि धार्मिक आजादी का अधिकार, ये हैं अपने को 25-28, बाकी अपने को सारे ही कथन सही हैं। सो इन्होंने तुम्हें ध्यान के जरूर रखना है। हुण जेकर आप गल करिए जिहड़े मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, तो यह आप देश तो लए हैं अपने भारत के संविधान के, थोड़ा सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका तो लए हैं, एंड जिहड़े अपने मूल अधिकार हैं ये हैं अपने को 12-35 तक, थोड़े को टोटल पूछा जा सकता है किन्ने हैं 12-35 तक। सो इस भी तुम्हें ध्यान के जरूर रखना है। भाग पूछा जाए तो भाग थोड़ा सही उत्तर होगा भाग नंबर 3 के आते हैं। नैक्सट आप मूव करते हाँ, हाँ जी भारतीय संविधान का किहड़ा अनुच्छेद कानून बारे बराबर की गल करता है, 15, 14, 16 या 19। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 14। हाँ जी, भारतीय संविधान का वह कि अनुच्छेद है जोड़ा सानू कानून बारे बराबर की गल करता है, तो थोड़ा सही उत्तर होगा अनुच्छेद नंबर 14। नैक्सट आप देखते हाँ जी भारतीय संविधान का किहड़ा अनुच्छेद संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। सो इस प्रश्न को तुम्हें चंगी तरह रट लेना है, बहुत ही ज़्यादा पॉसीबिलिटी रहेगी एग्जाम आने की, जो पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल एग्जाम होने जा रहा है तो उस दे विच ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस अपने को उत्तर की रहेगा, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 32। हाँ जी, जो अनुच्छेद नंबर 32 है इसनों संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। एक कथन किसने कहा सी, तो फिर थोड़ा सही उत्तर होगा डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने एक कथन कहा सी कि जोड़ा आर्टिकल 32 है जिस के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के रिट क जी रिट होंगी उसमें जारी कर सकते हाँ, तो इसनों संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये जोड़ा अपना आर्टिकल है 32, तो इसनों संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। नैक्सट आप देखते हैं जी अनुच्छेद जो 32 है, तो इस के तहत सुप्रीम कोर्ट के 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। सो इस कथन भी तुम्हें ध्यान के जरूर रखना है। नैक्सट अपना प्रश्न है भारत का एक राष्ट्रपति होगा किहड़े अनुच्छेद के गल की गई है, 52, 53, 54 या 55। सो इस प्रश्न का आंसर हरेक विद्यार्थी को पता लग गया होगा, तो इस अपने को उत्तर रहेगा 52। हाँ जी, जो 52 है तो इस जानकारी की मिलती है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा यानी कि राष्ट्रपति की पोस्ट बारे अपन जानकारी मिलती है अनुच्छेद नंबर 52 के। जेकर उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो थोड़ा फिर कि आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 63।
तो इस दे विच अपने कोलों वाइस प्रेजिडेंट की पोस्ट के बारे जानकारी मिलती है। नैक्सट आप देखते हैं कुछ होर महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पूछे जा चुके हैं। हाँ जी, पावर ऑफ यूनियन, तो प्रेजिडेंट की जी पावर होंगी है यूनियन के इस बारे अपन जानकारी कड़ी शेज मिलती है, ये मिलती है 53 के इलैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट। हाँ जी, जे प्रेजिडेंट के इलैक्शन होंगे हैं चोणा होंगे हैं तो इस संबंधी अपन जानकारी मिलती है 54 के। प्रेजिडेंट ऑफिस टर्म यानी कि इन्हों का जो कार्यकाल होंगे थोड़ा पता होगा 5 साल का होंगे, तो इस संबंधी अपन जानकारी मिलती है 56 के। इस तो अलावा प्रेजिडेंट क्वालिफिकेशन, तो इस संबंधी अपन जानकारी मिलती है 58 के। इस तो अलावा प्रेजिडेंट ओथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है, इसनों तुम ध्यान जरूर रखना है, तो इस संबंधी अपन जानकारी मिलती है 60 के। सो इन्हों ध्यान जरूर रखना। नैक्सट, किहड़े अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपर मां दोष की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, 61, 60, 62 या 56। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इस का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, अनुच्छेद नंबर जोड़ा 61 है, इस के तहत राष्ट्रपति उपर मां दोष की प्रक्रिया यानी कि इंपीचमेंट की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। नैक्सट आप देखते हाँ जी, राष्ट्रपति की पोस्ट किन्ने समय तक खाली रह सकती है, 6 महीने, 3 महीने, 14 दिन या 4 महीने। हाँ जी, जी राष्ट्रपति की पोस्ट होंगी है वह वध तो वध किन्ने समय तक खाली रह सकती है, ये अपने को प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इस अपने को उत्तर रहेगा ए यानी कि 6 महीने। हाँ जी, 6 महीने तक खाली रह सकती है, उस तो बाद अपने को 6 महीन के अंदर ही जी राष्ट्रपति की चोणा होंगे हैं वो करवाया जरूरी हो जाए। सो इसमें भी तुम ध्यान जरूर रखना, ये अपने को एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है। नैक्सट आप देखते हाँ जी, भारतीय संविधान के किहड़े अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट कोलों सलाह ले सकता है। सो यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है अलग अलग कंपीटेटिव एग्जाम के, इसका आंसर देखते हैं, डी इस का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, अनुच्छेद नंबर 143। हाँ जी, अनुच्छेद नंबर 143 के तहत अपने को राष्ट्रपति जोड़ा है वह सुप्रीम कोर्ट कोलों सलाह ले सकता है। नैक्सट आप देखते हैं पार्डन पावर, हाँ जी पार्डन जो पावर है तो एक किस दे विच अपने को माफ़ करने की राष्ट्रपति को, अपने को अनुच्छेद नंबर 72 के तहत माफ़ कर सकता है, ये अपने को जोड़ा अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो इसनों तो तुसी ध्यान दे विच जरूर रखना है। नैक्सट, भारत की एक संसद होगी ये किहड़े अनुच्छेद विच अपन जानकारी मिलती है, 79, 80, 84 या 81। तो इस अपने को सही उत्तर रहेगा ए यानी कि अनुच्छेद नंबर जो 79 है, इस दे विच अपन भारत की संसद बारे जानकारी मिलती है यानी कि भारत जी पार्लीमेंट है इस संबंधी अपन जानकारी मिलती है अनुच्छेद नंबर 79 के। इस तो अलावा जी भारतीय संसद है या पार्लीमेंट है इसके कुल 3 अंग होंगे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा एंड अपने को थर्ड होंगे है राष्ट्रपति। जेकर सदन पूछे जा संसद तो थोड़ा सही उत्तर होगा 2, लोकसभा तो राज्यसभा। इस तरह राज्यसभा जानकारी अपनी मिलती है अनुच्छेद नंबर 80 के, लोकसभा 81 के अपन जानकारी मिलती है। राज्यसभा संबंधी कुछ होर महत्वपूर्ण पॉइंट जिन्होंने तुम्हें ध्यान रखना है, जोड़े राज्यसभा के मैंबर होंगे उन्हों का कार्यकाल होंगे है 6 साल का। इस तो अलावा जेकर उन्हें चोणा लड़निया होन किन्नी उम्र होनी चाहिए, घट्टो घट 30 साल उम्र होनी जरूरी है। लोकसभा जोड़ा कार्यकाल होंगे है वह 5 साल का होंगे है, लोकसभा के जिन्हें मैंबर होंगे उन्होंने कार्यकाल होंगे है 5 साल का मैक्सीम। इस तो अलावा जोड़े लोकसभा के मैंबर होंगे तो उन्होंने क्वालिफिकेशन की होंगी है कि वह भारत का नागरिक होवे, घट्टो घट उन्हों की उम्र 25 साल होनी चाहिए, इस तो घट नहीं होनी चाहिए तो वह चोण लड़ सकता है। सो इन गलों तुम ध्यान जरूर रखना। इस तो अलावा जी राज्यसभा इसमें उच्चा सदन भी कहा जाता है, लोकसभा निम्न सदन भी कहा जाता है, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। सो इन गलों तुम ध्यान जरूर रखना है। लोकसभा स्थाई सदन भी कहा जाता है, इस तो अलावा जी राज्यसभा राज्यसभा स्थाई सदन कहा जाता है, लोकसभा अस्थाई सदन भी कहा जाता है। नैक्सट अपना प्रश्न है, भारतीय संविधान का किहड़ा अनुच्छेद राज दे एडवोकेट जनरल बारे जानकारी दिंदा है, तो इस अपने को उत्तर की रहेगा, बी इस का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, अनुच्छेद नंबर 165। हाँ जी, जो अनुच्छेद नंबर 165 है यह संविधान अपने को जो राज होंदा है राज दे विच एडवोकेट जनरल होंदा है उस बारे अपन जानकारी दिंदा है। नैक्सट आप देखते हाँ जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इस संबंधी अपन जानकारी किहड़े अनुच्छेद मिलती है, तो थोड़ा सही उत्तर होगा अनुच्छेद नंबर 76, कैग संबंधी जानकारी अनुच्छेद नंबर 148। इस तो अलावा फाइनैंस कमीशन, तो इस संबंधी अपन जानकारी मिलती है 280 के। इस तो अलावा इलैक्शन कमीशन 324 के। ये सारे अपने को अनुच्छेद जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, पंजाब के लगभग हरेक पेपर इन्हों
लगभग सारे ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं इन्हां रिलेटेड। सो इन्होंने तुम्हें ध्यान दे विच जरूर रखना है। नैक्सट आप प्रश्न देखते हैं जी, भारतीय संविधान का किहड़ा अनुच्छेद जी एस टी बारे जानकारी दिता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो इस तरह आंसर हरेक विद्यार्थी पता होगा तो इसका अपने को सही उत्तर की रहेगा सी, इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 279A। हाँ जी, जोड़ा 279A अनुच्छेद है तो इस दे विच आपां नूं जी एस टी संबंधी जानकारी मिलती है। नैक्सट आप देखते हैं जी, किहड़ा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बारे जानकारी दिता है? तो इसका आपां आंसर देखते हैं। हाँ जी, सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद नंबर 338। हाँ जी, जोड़ा अनुच्छेद नंबर 338 है इस विच आपां नूं कि जानकारी मिलती है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बारे जानकारी मिलती है। जेकर अपने को पेपर का थोड़ा जा लैवल ज़्यादा होया तो इदा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नैक्सट अपना प्रश्न हैगा, हाँ जी, किहड़ा अनुच्छेद मनी बिल बारे जानकारी दिता है? सो धन बिल जां मनी बिल इत्थे अपने को जानकारी दिती गई है तो इसका अपने को उत्तर आएगा बी, यानी कि 110। हाँ जी, जो अनुच्छेद नंबर 110 है इस दे विच मनी बिल जां धन बिल बारे आपां नूं जानकारी मिलती है। सो इसनों भी तुसीं ध्यान दे विच जरूर रखना है, बी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। संविधान के किहड़े अनुच्छेद दे विच बजट संबंधी जानकारी मिलती है? 108, 110, 115 जां 112। तो इसका आप उत्तर देखते हैं डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 112। हाँ जी, संविधान का वह किहड़ा अनुच्छेद है जिस विच आपां नूं बजट संबंधी जानकारी मिलती है? वैसे संविधान दे विच बजट नाम का कोई भी शब्द नहीं है बट आपां नूं जानकारी मिलती है तो इसका अपने को उत्तर होगा 112 नंबर अनुच्छेद। नैक्सट, भारतीय संविधान का किहड़ा अनुच्छेद संसद की संयुक्त बैठक बारे जानकारी दिता है? 110, 109, 108 जां 107। तो इसका अपने को सही उत्तर की रहेगा सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 108। हाँ जी, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 108 है तो इस दे विच आपां नूं जानकारी मिलती है संयुक्त बैठक की, लोग सभा ते राज सभा की। नैक्सट, भारतीय संविधान के किहड़े अनुच्छेद दे विच वित्ती वित्त बिल बारे आपां नूं जानकारी दिती गई है? हाँ जी, सो यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा तो इसका आंसर एक बार देख लेंगे। सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 117। हाँ जी, जिहड़ा 117 नंबर अनुच्छेद है इस विच आपां नूं भारत वित्ती बिल बारे जानकारी दिती गई है जां जानकारी मिलती है। नैक्सट आप देखते हाँ जी, संविधान के किहड़े अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट के जजां की बदली जिहड़ी है आपां नूं उस बारे जानकारी मिलती है? तो इसका अपने को उत्तर आएगा बी, यानी कि 222। हाँ जी, जो 222 नंबर अनुच्छेद है इस विच हाई कोर्ट के जिहड़े जज होंदे हन उन्हां दी बदली की जा सकती है, यानी कि एक हाई कोर्ट तो दूजे हाई कोर्ट के उन्हां दी बदली की जा सकती है। नैक्सट आप देखते हाँ जी, संविधान के किहड़े अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हाँ? सो यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सो इसनों तो तुसीं ध्यान दे विच जरूर रखना है। तो इसका अपने को उत्तर आएगा सी, यानी कि 226। हाँ जी, जो 226 नंबर अनुच्छेद है इस दे तहत आप हाई कोर्ट के रिट जारी कर सकते हाँ। सुप्रीम कोर्ट के 32 ऑलरेडी मैं तुम्हें दस चुका हाँ। किसी राजपाल की नियुक्ति संबंधी किहड़ा अनुच्छेद है? सो इतने अपने को नियुक्ति की गल की गई है, नियुक्ति तुम्हें पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रपति होंगे है वह किसी भी राजपाल की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सलाह से। तो इसका अपने को उत्तर आएगा डी, यानी कि 155। हाँ जी, जोड़ा 155 नंबर अनुच्छेद है तो इस दे विच आपां नूं राजपाल संबंधी जानकारी मिलती है, उन्हां दी नियुक्ति बारे जानकारी मिलती है। नैक्सट, किहड़े अनुच्छेद दे तहत राज्यां दे विच हाई कोर्ट होवेगी? राज्यां दे विच हाई कोर्ट होवेगी संबंधी आपां नूं जानकारी मिलती है। सो यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका अपने को सही उत्तर आएगा ए, यानी कि 214। हाँ जी, 214 जिहड़ा नंबर अनुच्छेद अपने को इस विच आपां नूं जानकारी मिलती है कि राज्यां दे विच हाई कोर्ट होवेगी एक राज्य दे विच, यानी कि जिहड़ा एक राज दे विच हाई कोर्ट होवेगी वह दो राज्यां दे भी इकट्ठी हो सकती है हाई कोर्ट। तो इस संबंधी आपां नूं जानकारी मिलती है अनुच्छेद नंबर 214 दे विच। नैक्सट आपां देखते हाँ, हाँ जी, विधानसभा के कार्यकाल संबंधी जानकारी किहड़े अनुच्छेद दे तहत अनुच्छेद दे विच मिलती है? विधान परिषद और विधानसभा दोनों अपने को रहणगे इहदे विच, तां इसका अपने को उत्तर देख लैंदे आ ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 172। हाँ जी, 172 नंबर जिहड़ा अनुच्छेद है ये आपां नूं जानकारी दिंदा है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा जां विधान परिषद का कार्यकाल कितना होगा। विधानसभा का कार्यकाल होंदा है तुहानूं पता है 5 साल का, इस तों अलावा जिहड़ी विधान परिषद होंदी है उसका कार्यकाल होंदा है 6 साल का।
तो इसनों तुसी ध्यान दे विच रख सकते हो। नैक्सट अनुच्छेद नंबर जिहड़ा 243 है, ये किस दे नाल संबंधित है, तां इस दा अपने कोल उत्तर की रहेगा बी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा पंचायती राज। हाँ जी अनुच्छेद नंबर जिहड़ा 243 है ये किस नाल संबंधित है, यह है पंचायती राज दे नाल। नैक्सट किहड़ा अनुच्छेद जम्मू अते कश्मीर संबंधी एक स्पैशल राज दा सॉरी किहड़े अनुच्छेद दे तहत जम्मू अते कश्मीर नूं एक स्पैशल राज दा दर्जा दिता गया सीगा। तो हुण तुहानूं पता है कि इस नूं एक बार खत्म कर दिता गया, तो इस दा अपने कोल उत्तर आवेगा बी यानी कि अनुच्छेद नंबर 370। हाँ जी जिहड़ा अनुच्छेद नंबर 370 सीगा तां इस नूं जम्मू अते कश्मीर दे विचों एक बार खत्म कर दिता गया यानी कि समाप्त कर दिता गया, बट फिर भी कुछ अपने कोल रूल तुसीं कह सकते हो कुछ अजिहे रूल हन जो कि जम्मू अते कश्मीर नूं हजे भी प्रोवाइड किए हुए हैं। नैक्सट आप देखते हाँ जी वातावरण सही रखना अते अपने आले दुआले सफाई रखना एक किहड़े अनुच्छेद गल की गई है, तो इस अपने को उत्तर की रहेगा सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद नंबर 48 ए दे विच। हाँ जी वातावरण सही रखना अते अपने आले दुआले सफाई रखना यह अनुच्छेद अपन किहड़े विच जानकारी मिलती है 48 ए दे विच जो कि राज्यां दे नीति दे निर्देश तत्त दे विच आउंदा है। नैक्सट किहड़ा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल संबंधी जानकारी दिंदा है, सो यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस अपने को उत्तर आएगा बी यानी कि अनुच्छेद नंबर 360। हाँ जी जो अनुच्छेद नंबर 360 है इस विच आपां वित्तीय आपातकाल संबंधी जानकारी मिलती है, भारत दे विच एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लग्या, सो इस गल नूं तुसीं ध्यान दे विच रखना। तुहाडे कोल इदां प्रश्न पूछ लिया जाता एग्जाम दे विच कि भारत दे विच वित्तीय आपातकाल किन्नी वार लग चुका है, सो बच्चे अक्सर ही प्रश्न गलत कर बैठते हैं, तो इसनों तुसी ध्यान दे विच रखना है कि वित्तीय आपातकाल भारत दे विच एक बारी भी नहीं लग्या। नैक्सट आप देखते हैं हाँ जी नैशनल जिहड़ी एमरजेंसी है इस संबंधी आपां नूं जानकारी मिलती है अनुच्छेद नंबर 352 दे विच। स्टेट एमरजेंसी इस दे संबंधी आपां नूं जानकारी मिलती है 356 दे विच। इस तों अलावा फाइनेंस एमरजेंसी जिहड़ी है तां इस संबंधी आपां नूं जानकारी मिलती है 360 दे विच। तां इन्हां दी घोषणा जिहड़ी करदा उह कौन करदा है, भारत दा राष्ट्रपति कर सकदा है। नैक्सट आप देखते हाँ जी उपाधियां दी मनाही इह जानकारी किहड़े अनुच्छेद दे विच मिलती है, तां इस दा आंसर एक बार देखते हाँ बी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद नंबर 18। हाँ जी जिहड़ा अनुच्छेद नंबर 18 है इस विच आपां नूं जानकारी किस दी मिलती है, उपाधियां दी मनाही दी जानकारी मिलती है। नैक्सट आप देखते हाँ जी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2002 दे विच किहड़ा अनुच्छेद जोड़िया गया सी, तां इस दा अपने कोल उत्तर की रहेगा बी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 21 ए। हाँ जी 21 ए जिहड़ा अनुच्छेद है तां इह कदों जोड़िया गया सीगा, इह जोड़िया गया सी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम दे तहत 2002 दे विच जो कि सिक्ख्या दे नाल संबंधित है। 21 ए राइट टू एजुकेशन, इस तों अलावा गरंटीज़ टू आल द सिटीजन द सिक्स राइट्स, ये आपां नूं किस दे विच मिलदियां हन, ये मिलदियां हन अनुच्छेद नंबर 19 दे विच, आपां नूं सिक्स अगे होर तरह की राइट मिलदियां हन जिवें कि 19 ए 19 बी 19 सी 19 डी ते 19 ई, तां इस तों अलावा 19 एफ तक आपां नूं इस दे विच जानकारी मिलती है। नैक्सट आपां देखदे हां जी किहड़े मूल अधिकार दे तहत 14 साल तो घट उम्र के बच्चों को काम या नौकर लगाना मना है, 22, 23, 24 या 21, तो इस आप उत्तर देखते हाँ सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद नंबर 24। हाँ जी अनुच्छेद नंबर जिहड़ा 24 है तो ये अपन ये जानकारी दिंदा कि 14 साल तो घट उम्र के बच्चों को आप कितने काम नहीं लगा सकते, जिहड़ा थोड़ा डिफिकल्ट काम हो आप नहीं लगा सकते। तो हुण आपां अज दी इस वीडियो दा लास्ट प्रश्न देख लैंदे हाँ जी मूल अधिकारां दे तहत धार्मिक आजादी संबंधी किहड़ा अनुच्छेद गलत है, 25, 27, 28 या 29, तां इस दा अपने कोल उत्तर की रहेगा डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद नंबर 29 जिहड़ा है ये धार्मिक आजादी नाल संबंधित नहीं है, बाकी अपने कोल जिन्ने भी अनुच्छेद हन 25 तों लैके 28 तक तां ये सारे ही धार्मिक आजादी नाल संबंधित हन, सो इन्हां नूं तुसीं ध्यान दे विच जरूर रखना है। नैक्सट आप कुछ देखते हैं शायद होर पॉइंट हूँ, हाँ जी है गया 25 जिहड़ा एक किस नाल संबंधित धर्म की आजादी है, धर्म का प्रचार करना, इस अलावा जिहड़ा 26 है यह है धार्मिक मामले में कोई भी प्रबंध करने की आजादी, सो इन दोनों भी तुसीं ध्यान दे विच जरूर रखना है। सो इस दे नाल ही अज की अपनी ये वीडियो इत्थे ही समाप्त हुंदी है, सो उम्मीद करदा हाँ कि यह वीडियो तुहानूं बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल लगी होगी,
सो वीडियो वो तो वी शेयर जरूर करना है। एंड जिहड़े विद्यार्थियों ने हजे भी इस चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हुणे ही इस चैनल में सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर लवो ता जो अगे आने वाली हरेक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो हुण आपां अज दी इस वीडियो नूं इत्थे ही समाप्त करदे हां, मिलदे हां नैक्सट वीडियो दे विच। थैंक यू।